ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। तो यार देखो, जैसे कि अब हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका एक सब्जेक्ट है, देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है और आपके सेमेस्टर में भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन के आता है, बट हम लोग क्या करते हैं पढ़ाने के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी को बीएमसी सब्जेक्ट के साथ ले लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, बढ़िया बात है। अब हम कंक्रीट के एंड में चल रहे हैं, जल्दी हमारा 2 से 3 लेक्चर में कंक्रीट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बहुत 50 बार बता चुका हूं ये बात कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी जेईई फॉर आईईएस, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं डिस्कस करूं हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो हम वर्केबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, वर्केबिलिटी डिटर्मिनेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, बाय डिफरेंट मेथड्स। साफ सुथरी बात है, 3 टाइप का कंक्रीट होता है, लो वर्केबल, मीडियम वर्केबल एंड हाईली वर्केबल। तो ये तीनों टाइप के जो अगर कंक्रीट होते हैं, लो वर्केबल, मीडियम वर्केबल एंड हाईली वर्केबल, ये सेम एपरेटस से या सेम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैंने मेजर आपको 4 मेथड्स बताए थे, कौन कौन से, स्लम कॉन्टेस्ट, स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस, कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस, थर्ड वीबी कंसिस्टोमीटर, वीबी कंसिस्टोमीटर। ठीक है जी, एंड फोर्थ मैंने आपको बताया था फ्लो टेबल टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। जैसा कि मैं आपको, अब देखो ध्यान से, बहुत बार बता चुका हूं कि इन चारों में से कुछ लो वर्केबिलिटी के काम में आते हैं, कुछ मीडियम वर्केबिलिटी के काम में आते हैं, कुछ हाईली वर्केबिलिटी के काम में आते हैं। ठीक है, अब इन तीन ये जो 4 है, इस 4 में से हम स्लम कोन को बिल्कुल ब्रीफली पढ़ चुके हैं। आपने नोटिस करा होगा स्लम कोन में मुझे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि स्लम कोन, देखो स्लम कोन बहुत कॉमन होता है, बिल्कुल सही बात है, स्लम कोन बहुत कॉमन होता है, बट स्लम कोन की दूसरी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी, जैसे कि जब हम स्लम्प को उठाते हैं तो कंक्रीट की डिफरेंट डिफरेंट शेप आ जाती है, ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, कोलैप्सिबल स्लम्प, शियर स्लम्प। तो ऐसे हमने जब सारे पॉइंट डिस्कस करे तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, तो स्लम्प कोन टेस्ट को हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो जो हमने पढ़ाया, उसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। उसके बाद कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, और देखो साफ सुथरी बात है कि इनके एपरेटस से क्वेश्चन आता है तो आपको एपरेटस याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई कितने हुपर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस में कि कितने हुपर्स, अगर ये मान लो कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस है तो इसमें कितने हुपर्स होते हैं ये। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और प्रोसीजर हमने पूरा डिस्कस करा, वो आपको ध्यान रखना है, वीबी कंसिस्टोमीटर में भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, इन चारों से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वर्केबिलिटी किसमें एक्सप्रेस होती है, ये क्वेश्चन 100% है कि आ सकता है वर्केबिलिटी, ये हर कोई वर्केबिलिटी अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं स्लम कोन टेस्ट वर्केबिलिटी किसमें एक्सप्रेस करता है, एमएम में, एमएम ऑफ स्लम। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लम कोन टेस्ट किसमें वर्केबिलिटी फाइंड करता है, इन एमएम ऑफ स्लम, हाइट ले लो, हाइट में मेजर करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वीबी कंसिस्टोमीटर वर्केबिलिटी किसमें मेजर करता है, तो आप बोलोगे सर टाइम में। अगर मैं पूछूं वीबी कंसिस्टोमीटर, जो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से वीबी कंसिस्टोमीटर पूरा प्रोसीजर बता दिया है, वो आपको ध्यान रखना है, कंटेक्स्चुअल के भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के भी, क्योंकि इन चारों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, वीबी कंसिस्टोमीटर वर्केबिलिटी किसमें फाइंड करता है, ये किसमें एक्सप्रेस करता है, टाइम में। कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस, भाई कॉम्पैक्शन फैक्टर में, जो कि क्या होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस में करता है, आप बोल सकते हो सर डेंसिटी में करता है, डेंसिटी में या वेट में। अगर मैं बोलूं कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस वर्केबिलिटी किसमें फाइंड करता है, तो आप बोलोगे सर वेट ऑफ कॉन्क्रीट में, जिसमें हम पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के वेट को, जिसमें हम पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के वेट को फुली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट का वेट
पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो कंक्रीट होता है उसके वेट को फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के वेट से डिवाइड कर दो तो उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाता है और इसी में हम वर्केबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ब्रीफली। अब मेरा कौन सा बचा है? फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है जी, फ्लो टेबल टेस्ट। अभी फ्लो टेबल टेस्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लो टेबल टेस्ट जो वर्केबिलिटी फाइंड करता है, फ्लो टेबल टेस्ट वर्केबिलिटी जो फाइंड करता है वो किस में फाइंड करता है? फ्लो परसेंटेज में। भैया ये बहुत माइनर माइनर क्वेश्चंस हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स में नहीं मिलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको वीपी कंसिस्टोमीटर का टाइम बताया, जब 20 सेकंड से ज्यादा है भाई, इसकी रेंज अगर मैं आपसे बोलूं, इसकी टाइम की रेंज क्या होती है? 0 से 20 सेकंड। वीपी कंसिस्टोमीटर किसी भी टाइप की कंक्रीट के लिए आप यूज कर लो। वैसे तो हम वीपी कंसिस्टोमीटर के लिए, वीपी कंसिस्टोमीटर को लो वर्केबिलिटी के लिए फाइंड करते हैं या यूज करते हैं, बट अगर आपकी इच्छा है कि भाई मेरे को तो हाई वर्केबिलिटी के लिए भी फाइंड करना, पहली बात तो होता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया अगर बहुत ही ज्यादा लो वर्केबल कंक्रीट है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। मीडियम वर्केबल कंक्रीट है, जैसे मान लो बहुत ही ज्यादा लो वर्केबल कंक्रीट है तो उसके लिए टाइम कितना लगता है? ग्रेटर देन 20 सेकंड्स। और मीडियम लेस वर्केबल है, मीडियम लेस वर्क है तो लेस वर्केबल भी, बट उसमें भी थोड़ा सा मीडियम है, लेस वर्केबल है बट थोड़ा मीडियम वाला है, तो 12 सेकंड से 20 सेकंड। तो ये टाइम आपको याद रखना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, चलो ये भी छोड़ो, फ्लो टेबल टेस्ट अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरीके से तीनों में आपको पूरा एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इस टॉपिक में, बट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, हमारा मेजर मेजर सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है, मेजर मेजर हमारा सारा पोर्शन कवर हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लेक्चर में आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो जाएगी खत्म। बहुत बड़ा सिलेबस है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि छोटा, ये मैं सोच रहा हूं कि सर बीएमसी की सारी यूनिट्स इतनी बड़ी है, हाँ कहीं ना कहीं बड़ी तो है, बट हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, सुनाओ सर, सुनाता हूं। हम क्या करते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को बहुत लाइटली ले लेते हैं। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग इग्नोर करके जाते हो, आप, मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं तो एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट मैं आपको स्पेशली एक चीज बता देता हूं जो आपको ध्यान से सुननी है। आप एक कंडीशन इमेजिन करो, आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं। सबसे पहली बात, अब जो टॉपिक्स हैं जो आप लोग इग्नोर करके जाते हो, हम लोग तो सारे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन वेट। आपके पास बिल्कुल न्यूमेरिकल आ सकता है, कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा वो आपको, कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा और आपसे न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेगा वो बताओ सीमेंट का वेट कितना है, सीमेंट सैंड का वेट कितना है, मास कितना है, सीमेंट का मास कितना है, सैंड का मास कितना है, एग्रीगेट का मास कितना है, वो आपसे पूछ लेगा न्यूमेरिकल में। एक तो आप ये इग्नोर करें, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को छोड़ के आते हो, अभी हम ये करेंगे पहली बात तो। सेकेंड, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। जब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं तो तीन टाइप की स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी? फर्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि आप लोग पढ़ के जाते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड, तो आप बोलोगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि आप ज्यादातर बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं। सी, फर्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड सी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो इन तीन टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं आपको आरसीसी का इंट्रोडक्शन दे रहा था, जब आरसीसी सब्जेक्ट आपका चल रहा था, जब वो इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उस यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता चुका हूं, कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड होती है, कैसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फाइंड होती है और कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड होती है। तो ये तीनों टेस्ट आप आरसीसी से पढ़ोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनके प्रोसीजर, इनके एपरेटस, इनकी वैल्यू, सब कुछ किस तरीके से टेंसाइल टेस्ट आप
क्यूब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन सिलेंड्रिकल सैंपल होता है हम उस पर सॉल्व करते हैं, ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम कंक्रीट की बीम पर सॉल्व करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कंक्रीट की क्यूब पर सॉल्व करते हैं। इन तीनों के प्रोसीजर, इन तीनों के डायग्राम, इन तीनों की वैल्यूज पूरा का पूरा आपके आरसीसी यूनिट 1 लेक्चर में एक्सप्लेन है। तो ये मेरा टॉपिक तो खत्म। अब इशू क्या होता है, आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो पढ़ लेते हो, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं ये बात है, आप लोग सोचते हो ना कि सर हम बीएमसी पढ़ के गए थे बट बीएमसी हमसे कवर नहीं हुआ, सर हम बीएमसी पढ़कर गए थे बट बीएमसी सर पता नहीं कैसा पेपर आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया नहीं, किसने बोला आपका आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है? डिफरेंस ये है कि आप पढ़ते ही नहीं हो तो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा ना आपको। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ जाते हो, फिर क्वेश्चन किससे आता है कि कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करी जाती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करी जाती है, ना इसके प्रोसीजर आपको पता होते हैं, ना इनके अपरेटस आपको पता होते हैं, ना इनके फॉर्मूलाज आपको पता होते हैं, और आप बोलते हो सर आउट ऑफ सिलेबस, क्यों भाई आउट ऑफ सिलेबस? अरे अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप फाइंड कर रहे हो तो आपको चीज बताता हूं, डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट का नाम सुना है? डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट, हाँ सर सुना तो है सर, M20-25 तक तो सर नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट होता है और M25 के ऊपर डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट होता है। ठीक है भैया, जब डिजाइन मिक्स कंक्रीट आप बनाते हो तो उसकी कंडीशन होती है कि कंक्रीट पर आपको फ्लेक्सुरल टेस्ट भी करना है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी करना है। डिजाइनिंग स्टेप्स होते ही हैं, ये टेस्ट आपको उस पर परफॉर्म करना है। आप करते क्या हो, आप बस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं, लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का प्रोसीजर बता देते हैं कि भाई कॉम्पेक्शन ये CTM जो होती है, ठीक है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, उसमें आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर ली, बट इन दोनों को आप कर देते हो गायब और फिर बोलता आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, नहीं आता, ये सिलेबस का ही है, इसलिए मैंने इसको आरसीसी में सॉल्व करा दिया था। क्यों? ताकि आरसीसी में आपका इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है, मैं आपको भी सारी चीजें बताता हूँ, ध्यान सुनते रहना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो ये न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कुछ भी उसने सैंपल दे दिया कि भैया इतना क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट बनाना है, भैया हमको 10 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट बनाना है, तो इस 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में बताओ अगर M25 ग्रेड है तो बताओ सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, ये हम लोग पढ़ते ही नहीं है, फिर झूठता है, फिर बोलता है सिलेबस का आउट है। ठीक है, ये भी छोड़ो, अब जो भी सिचुएशन बता रहा हूं तो कहने का मतलब है इसका न्यूमेरिकल तो भी हम करेंगे आगे, ये हमारा है रिमेनिंग, अभी मैं करूंगा इसको आगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, मैंने आपसे बोला डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये हम ऑलरेडी आरसीसी में पढ़ चुके हैं, तो आप आरसीसी के लेक्चर में इसको देखो। ठीक है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने, A to Z प्रोसीजर प्रोसीजर सब कुछ। ठीक है, अब जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। अब जो सिचुएशन मैं आपको बता, ये ब्लैक पेन आपको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। अब जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं वो सिचुएशन आपको बहुत ध्यान से सुननी है। बोलोगे सर बताओ, आप इमेजिन करो आप रोड पर जा रहे हो, आप इमेजिन करो आप एक रोड पर जा रहे हो। हाँ सर जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हो रोड पे? हाँ सर जा रहे हैं। अब क्या हुआ है, आप मॉर्निंग पर रोड पर जा रहे थे, अपने ऑफिस के टाइम पर रोड पर जा रहे थे, और आपने देखा कि जिस रोड से आप जा रहे हो उसी रोड पर एक फ्लाई ओवर है। क्या है? फ्लाई ओवर है। फ्लाई ओवर क्या होता है? जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां तो ऊपर से फ्लाई ओवर से निकल जाती है और छोटी छोटी गाड़ियां साइड से निकल जाती है। किस एरिया में फ्लाई ओवर दिया जाता है? जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जहां पर बड़ी ट्रक्स व्रक्स भी ज्यादा आते हैं, और जहां पर नॉर्मल लोग अपनी साइकिल बाइक स्कूटी सब लेके भी अपना ट्रैवल करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यार ये एक रोड ऐसी है जहां से ट्रक्स भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, जहां से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करो आपके पास जो नीचे एक सिंगल रोड है उसमें एक फ्लाईओवर बना दो। क्यों? ताकि छोटी छोटी स्कूटी बिस्कूटी मारुति वारुति छोटी छोटी गाड़ियां तो नीचे से निकल जाए और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है वो फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाए। ठीक है भाई साहब, तो फ्लाईओवर तो आपको पता है। ठीक है, फ्लाईओवर को क्या बोलते हैं देसी भाषा में मुझे नहीं पता। ठीक है, अब फ्लाईओवर है, अब क्या है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। फ्लाईओवर जिसके ऊपर बना होता है, फ्लाईओवर क्या होता है, रोड होती है और रोड पर पियर बना हुआ होता है और पियर के ऊपर ही डेक स्लैब बना होता है। देखो ये रोड है, यहां पर हमारी गाड़ी जा रही है, ये आपकी पल्सर जा रही है, ठीक है, ये आपकी अपाचे जा रही है, ठीक है, और जो बड़े बड़े से ट्रक्स हैं वो ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये जो वर्टिकल मेंबर है जिस पर ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इस वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पियर, PIER, इस वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पियर। ये मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया है, ठीक है, सेक्शन करके,
और जिस पे गार्डियन चलती है उसको हम बोलते हैं डेक स्लैब, DECKSLAB, डेक स्लैब। तो आपने क्या करा, आप रेगुलरली अपने ऑफिस जा रहे थे, आप लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और आपने देखा कि एक पियर पर, अब ध्यान सुनना, जब आप अपने ऑफिस जा रहे थे आप लोग के पास बाइक थी, अपाची थी, आप नीचे से गए, ठीक है, जब आप नीचे से गए तो आपने देखा कि यार एक ट्रक, रात को क्या हुआ, एक ट्रक इसके अंदर घुसा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक बड़े अपने मनोजी में चल रहा था और उसने इस पियर को ठोक दिया। क्या हुआ, एक पियर पर ट्रक घुसा पड़ा था, भाई रात को मौसम बनाया होगा, ड्राइवर ने मौसम बनाया तो उसने क्या करा, पियर पर गाड़ी, ट्रक घुसेड़ दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं ध्यान सुनना, आपने ट्रक देखा कि यार एक पियर, जिस पियर पर डेक स्लैब है और डेक स्लैब के ऊपर इतनी हैवी हैवी गाड़ियां चल रही हैं, उस पियर पर एक ट्रक घुसा पड़ा है, ट्रक घुस गया उसके अंदर, तो यार कॉन्क्रीट हो सकता है डैमेज हो जाए, हो सकता है कि आपका कॉन्क्रीट अंदर से उसमें अंदर क्रैक्स आ चुके हों, हो सकता है कॉन्क्रीट में अंदर क्रैक्स आ चुके हों, तो आप क्या सोचते हो कि गवर्नमेंट एजेंसी चुप रहेगी, उसको पता है कि यार ट्रक इसके अंदर घुसा है, ट्रक इसके अंदर घुसा है, हो सकता है इस पियर के अंदर इंटरनल क्रैक्स आ चुके हों, वैसे तो सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है कि इसमें ट्रक आपका ना घुसे, रेलिंग वेलिंग मीडियम मतलब होता है ना, रेलिंग लगा दी जाती है ना, फिर भी मान लो रेलिंग तोड़ ताड़ के वो घुस गया अंदर ट्रक और पियर को उसने बहुत हिट करा अच्छे से, तो क्या होगा, जो इंजीनियर होगा वो सोचेगा नहीं यार अगर ट्रक इसके अंदर घुसा है तो हो सकता है मेरा कंक्रीट अंदर से थोड़ा बहुत डैमेज हो गया हो, तो वो क्या करेगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फिर चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फिर चेक करेगा। उसने बोला कि नहीं यार, मान लो मैंने ये पियर M55 से बनाया है, M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो क्या करेगा, वो M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, भाई इसको पता है M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से पियर बना है, वो क्या करेगा, देखेगा नहीं यार ट्रक घुसा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये चेक करूं क्या अंदर इसके इंटरनल क्रैक्स तो नहीं आ गए हैं, क्या इसके अंदर इंटरनल क्रैक्स तो नहीं आ गए हैं, वो चेक करेगा ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हो तो आप क्या बोलोगे, सर बाय यूजिंग क्यूब टेस्ट ऑन ए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, सर हम क्यूब बनाते हैं, सर हम क्यूब बनाते हैं, कब बनाते हो क्यूब, जब कंक्रीट इसके अंदर डल रहा होता है, जब आप स्ट्रक्चर को बना रहे होते हो और आपके पास फ्रेश कंक्रीट होता है, फ्रेश कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, थोड़ा फ्लो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, आपने ना कंक्रीट आपका फ्लो होता है, तो फ्रेश कंक्रीट फ्लो प्रॉपर्टी में होता है और उस टाइम इसका हम क्यूब में सैंपल लेते हैं 150 बाय 150 बाय 150 का, उसमें आपका सैंपल लेते हैं और इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी। बट भाई साहब अब तो कंक्रीट सूख चुका है, हार्ड हो चुका है, अब तो कंक्रीट आपका हार्ड हो चुका है और ट्रक घुस गया, तो आपको कैसे पता लग गया कि अंदर कोई क्रैक्स होने आ रहे, मेरे पियर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो खराब नहीं हो रही है। अब क्यूब टेस्ट आप कब परफॉर्म कर सकते हो, क्यूब टेस्ट आप कब परफॉर्म कर सकते हो, जब कंक्रीट फ्रेश होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, तब क्यूब टेस्ट हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। बट इमेजिन करो कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भैया अब तो मेरा कंक्रीट हार्डन स्टेट में है, कंक्रीट आपका क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है, कंक्रीट क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है, अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करोगे। और ये भी हो सकता है कि कोई बिल्डिंग मान लो 30-40 साल पुरानी हो गई हो, इमेजिन करो कंक्रीट की कोई बिल्डिंग थी, आरसीसी की कोई बिल्डिंग थी, उसमें वो आपके 30-40 साल, चलो आरसीसी की छोड़ दो, कंक्रीट की बोलता हूं मैं, कंक्रीट की एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग 30-40 साल पुरानी हो चुकी है और अब आपको पता करना है कि यार इस स्ट्रक्चर में कहीं दम है भी या खत्म हो गया। कंक्रीट की 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, आपने देखा कि यार ये जर्जर हालत में है, ऐसा ना हो बिल्डिंग गिर जाए, ऐसा ना हो बिल्डिंग गिर जाए, तो आपका फर्ज क्या बनता है, ये जानेगा कि क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन्ड है। पता करोगे नहीं करोगे, करोगे बिल्कुल पता कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। अब ध्यान से सुनना, तो दैट मींस कंक्रीट की, जब कंक्रीट जो आपका 40 साल पुराना स्ट्रक्चर है वो भी तो सूख चुका है, हार्ड हो चुका है,
भाई अगर कंक्रीट आपका सेमी लिक्विड स्टेट में होता है जब वो फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है तब तो क्यूब टेस्ट से पता लग जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 28 दिन बाद आप उस क्यूब को टेस्ट कर दो। बट जब कंक्रीट को बने हुए 40 साल हो चुके हैं और अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो फिर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल सही बात है, इसलिए कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, दैट मींस जब ऐसा कोई सीन आपके पास, ऐसा कोई केस आपके पास आ जाए जब कंक्रीट का हार्डन स्टेट जो होता है उसमें आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो क्या होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, ये रहा आपका वो टॉपिक जो आप छोड़कर जाते हो और बोलते हो हमने तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ ली। ये है वो मेथड्स जो आप बोलते हो कि सर हमने तो पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया और पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। यार जब कुछ पढ़ के ही नहीं जाओगे 100% तो फिर पेपर होगा किससे? सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा ना दोस्तों, तभी तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हमने पेपर पढ़ा ही नहीं, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा ही और बोलते हो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। मैं बोलता हूं जब जिस दिन मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी हैंड कर दूं और एक बार ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आया होगा। क्यों? हमने पढ़ाई सब कुछ है, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पढ़ा है, हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी पढ़ा है, हमने इसके प्रोसीजर पढ़े हैं, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया है आपको, इसका एक एक अपरेटस बताया मैंने आपको, अपरेटस के डायमेंशन बताया मैंने आपको, कहां से क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से स्लम कोण पूरा एक्सप्लेन करा है, कॉम्पेक्शन फैक्टर पूरा एक्सप्लेन करा है, वीवी पूरा एक्सप्लेन करा है और उसके बाद अब फ्लो टेबल टेस्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो कहां से क्वेश्चन आएगा, अब कहां से आ जाएगा? सुनो, तो क्या होता है जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है और आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ पता करनी हो या कंक्रीट की और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज पता करनी हो तो उसके लिए कौन से मेथड्स होते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, और ये इनसे क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं आपको बताऊं नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कौन कौन से होते तो ध्यान से सुनना, बोलोगे सर हमको, हो सकता है आपने सुना हो। फर्स्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और पुल आउट टेस्ट, पुल आउट टेस्ट। थर्ड, पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट। फोर्थ, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इन चारों से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप जितने भी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, क्या आपने पढ़ा है चारों मेथड्स? इनका एक एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने, एक एक मेथड। रिबाउंड हैमर टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, पुल आउट टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, इसकी वेलोसिटी से क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बट अभी अभी बोलूं तो इसमें आपने वर्ड दिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ ली आती है डिफरेंट डिफरेंट, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या इसका सीन रहता है अल्ट्रासोनिक, इस वेलोसिटी से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कंक्रीट बेकार है तो बताओ उसमें वेलोसिटी कितनी होगी। कभी सुना है कंक्रीट में वेलोसिटी ऑफ साउंड? क्या कंक्रीट में वेलोसिटी सुनी कि कंक्रीट में वेलोसिटी होती है? हाँ जी होती है, और इस वेलोसिटी से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अगर आपका कंक्रीट मीडियम है, मीडियम वर्केबल कंक्रीट है तो बताओ, या मीडियम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट है तो बताओ उसके अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, और वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। तो ये चीजें ऐसी होती है जो हम लोग छोड़कर जाते हैं और ये बोलते हैं कि यार सिलेबस तो क्वेश्चन, अरे यार गए जमाने, पुरानी पुरानी किताबें पढ़ ली, पुस्तकें क्या क्या है, वो गए जमाने, जमाने के साथ चलना पड़ेगा। और अगर मैं आपको और आगे चीज बोलूं, अभी तो देखते जाओ इसको तो मिटा दो, ठीक है ये भी छोड़ो। अगर मैं आपसे और बोलना चाहूं, आज मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो आप लोग छोड़कर जाते हो, गया नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, उसके बाद जॉइंट्स,
कंक्रीट में जॉइंट होते हैं, कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड एक्सपेंशन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स हम लोग ये भी छोड़ते जाते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन करो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग छोड़कर जाते हैं। हमें पता ही ना डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट कौन कौन से होते हैं, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो यार, ये हमारा इतना रिमेनिंग पोर्शन देखो, हम सबसे ज्यादा कहां बचे, हम लोग इसमें बच गए कि हमने आरसीसी में डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने आरसीसी में ऑलरेडी पढ़ लिया, तो यहाँ बच गया। यहाँ पर आपका इन तीनों टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे थे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये 3 घंटे बच गए मेरे आरसीसी के चक्कर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा रिमेनिंग टॉपिक क्या था, फ्लो टेबल टेस्ट। क्या था? फ्लो टेबल टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको फ्लो टेबल का एपरेटस दिखा देता हूं और फिर उसको एक्सप्लेन करना चालू करता हूं, ठीक है, और फिर हम इस पूरे रिमेनिंग टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो टेबल टेस्ट दिखा देता हूं, ये रहा जी फ्लो टेबल टेस्ट, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये है फ्लो टेबल टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको आपका इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना चालू करता हूं।